साहित्य अकादमी उत्तराखंड ने गरुड़ के सिल्ली गांव में ग्रामालोक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया। साहित्य अकादमी परामर्श मंडल के सदस्य प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया ने कहा कि साहित्य अकादमी पहली बार गांव में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को निखारने में सहायक सिद्ध होगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ कवि व साहित्यकार गोपाल दत्त भट्ट, मोहन चंद्र जोशी, डॉक्टर हेमचंद्र दुबे, रतन सिंह किरमोली आदि ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की समस्याओं को उजागर किया। कार्यक्रम का संचालन चंद्रशेखर बड़शीला ने किया। सिर के जंगल की बड़ी घास, 6 इंच खड़ी डाली के बाद चल गई पेंट फट गया, तो खिड़कियाँ शर्ट पर हैं हजार, हम है मनी बिना पाके डिरिक्ट सर्विस के ऊंचे चढ़े भाव, है मनी बिना पाके डिरिक्ट सर्विस के ऊंचे चढ़े भाव, कोई भी कसर नहीं छोड़ी पर विफल हो गए सभी गांव, एम्प्लॉयमेंट के दरवाजे कर डाली खुली गांव गांव, पानी होता कोई बात नहीं छूटे में डगमग करे नाव, हाँ घूस सिफारिश का अपने, हाँ घूस सिफारिश का अपने, है नहीं तनिक भी कुछ आधार, हम ग्रेजुएट बेकार, अरे हम ग्रेजुएट बस दिन निकला हम चल पड़ते, हर रोज चप्पलें सटकाते, हर ऑफिसर के बंगले से आते वापस मुंह लटकाते, हर ऑफिस में चिट पहुंचाते, हर नेम प्लेट को रट जाते, चलते रहते हैं हम चलते रहते हैं अविरल, हम सैकड़ों किवाड़े खटकाते, सैकड़ों किवाड़े खटकाते, देख हमारी शक्ल चढ़ा सुबह सुबह पहुंच गए, देख हमारी शक्ल चढ़ा साहब की दीदी को बुखार, हम जना का नाडा भरा माया जाया, भूति जा बसी रे छो, मेरा दाजू गया परदेश घर बोझी कुरी रे छो, मेरा दाजू गया परदेश दिल तनी बाट घाटा दिल तनी बाट घाटा दे मजी भेटी छ नीला गाड़ी ससाओ हिरू मेरे गोवा भरिया, नीला गाड़ी ससाओ हिरू मेरे गोवा भरिया, यो बरखाली चमासा यो नदियों की भर मारा गंगो तरी बैगे अब कुछ गे हारी बारा, यो बरखाली चमासा यो नदियों की भर मारा गंगो तरी बैगे अब कुछ गे हारी बारा, सामन छुआ हिमाला सामन छुआ हिमाला हरी भरी छना बुग्याला, सामन छुआ हिमाला हरी भरी छना बुग्याला, गली गली द्वार द्वार एक और के लिए पेट भर हुए मंख हुए आदमी की तरह, बदले में मिली हड़ हड़ की पुकार और लाठियां, अपशब्द गालियां, क्या न भोगा क्या न देखा, एक सूखे हाड़ के खातिर लेता रहा अपने ही मुंह से निकलने वाले रहा सदा अपनी ही भाई बहनों की गर्दन, बिरादरों की गर्दन, छोटी छोटी बातों पर अपने गांव पड़ोसियों से करता रहा विरोध, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं और दलों की तरह, बच्चे तुम अभी छोटे हो, अपने बच्चे को आशीष दे रहा है, सिखा रहा है
बच्चे तुम अभी छोटी हो, मेरी बात सुनना, ध्यान लगा, कान उठा, पूछ दबा, मैं जिंदगी भर भगत रहा, स्वामी का ही भगत रहा। गाता हूँ पीड़ा गाए तो सबकी पीड़ा गाता हूँ, सबकी पीड़ा गाता हूँ, हर आह देद का मंत्र मुझे, हर अश्क मुझे गंगा जल है, हर आह वेद का मंत्र मुझे, हर अश्क मुझे गंगा जल है, कण कण मुझको कौस्तुभ मणि है, तृण तृण पावन तुलसी कद है, सारी धरती को इसीलिए रामायण सा पाता हूँ, गाता हूँ, सबकी पीड़ा गाता हूँ, मानव की क्या हर पत्थर की मैंने आरती उतारी है, मानव की क्या हर पत्थर की मैंने आरती उतारी है, मेरी केत मेरी धरती के रजकण से युग युग की रिश्तेदारी है, युग युग की रिश्तेदारी है, पुराणों का जगत में बहुत ज्ञान नहीं देखा, हमने भाषा पढ़ी हिंदी नहीं देखा, भक्ति का ही किसे पूरी भरी है, वीरों की गाथा, भक्ति साहित्य से पूरी से भरी है, वीरों की गाथा, यो अन्यार थे उजाव कोनी, यो उजाव था अन्यार कोनी, जो कुणाची हम से सूर जा चल, जो कुणाची हम से सूर जा चल, उनरा आँखा में पड़ो सब हंदरे तनी मति मो, जो कुणाची हम से सूर जा चल, उनरा आँखा में पड़ो सब हंदरे तनी मति मो, अरे जबत हड़ खा हड़ जबत हाड़ खून खिति बेर सरक जाओ जानी ध्वनि जगाओ जरूरी है, अरे जबत हाड़ खून खिति बेर सरक जानी ध्वनि जगाओ जरूरी थी, उभत तू जैमिनी जहाँ पर भीड़ जगह जानी थी, जबत बुलान जरूरी थी, उभत तू पास भी कर जरूर ये दुख बाँच बैल बखत पहले कब भैनी आए, जरा ध्यान दिया ये दुख बाँच बैल बखत पहले कब भैनी आए, हर जुगल जन्माची या जवान जनूल बाणी दे सारी दुनिया की पीड़ गण, पर जबत जरूरी सिरे बखता को उलौन पर्वतों को खातिर चलन, जबत जरूरी सिरे बखता उलौन पर्वतों को खातिर चलन, उभत तो अरल पर खाउन मंजूर मारना के गुलाम जरूरी सी, उभत तो जमवा पा पाल ढीक पर जो तेरे सिर की बजवान जान कैच बीज लागी यो पूरी जान कैच बीज लागी यो पूरी जो देश जानी पैग जीठ लगी हो कुड़ी कर, अरे भैंस बिखुड़ गई, बल्द गोई गो कुकुर मुनि गो भौ झपाई गो श्रेणी की दांत सुनी गई कटी की साथ, अरे जानी पैग जीठ लगी हो गो कुड़ी कर, भैंस बिखुड़ गई, बल्द गोई गो कुकुर मुनि गो भौ झपाई गो श्रेणी की दांत कटी गई, जानी दांत दांत सुनी गई कटी गई, अब कसी हल्ले भल्याम, अरे जबत हटको थाम देर भूतों को भजौन जरूरी सी, जब तो हटको थाम बेर भूतों को भजौन जरूरी थी, उभ तू जब भूतों को भजौन जरूरी थी, उभ तू जनन भवन अच्छे उभ तू तिखा भवन इसके कार्यक्रम के रूप हैं अलग अलग, उनमें से एक ग्रामालोक है, तो ये ग्रामालोक में साहित्य अकादमी के ये साहित्य अकादमी की ये भावना सामने आती है कि साहित्य ग्राम तक, केवल शहरों तक, नगरों तक, कस्बों तक या राजधानी तक साहित्य सीमित नहीं रहे, बल्कि गांव में जो प्रतिभा संपन्न लोग हैं और गांव में बड़े साहित्यकार भी हैं, ऐसा नहीं है कि साहित्यकार केवल शहर में ही रहता है या किसी कस्बे में ही रहता है, बड़ा साहित्यकार कहीं भी हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र का जो अनुभव है वो बहुत गहरा अनुभव होता है, और जो गांव से शहर को जाता है तो इसलिए शहर गांव तो ये एक इन दोनों को जोड़ने का एक जो सेतु है, इस सेतु ग्रामालोक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और भारत के अन्य क्षेत्रों में ही, ये केवल उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड में ये पहला कार्यक्रम है और ये पहला ग्राम है जहां डॉक्टर हेमचंद दुबे जी ने हमें सहयोग किया, हम उनके घर के बिल्कुल ठीक सामने हैं और इस पूरी कचूर घाटी के जितने भी साहित्य के प्रति रुचि रखने वाले लोग हैं
वो सब लोग एकत्रित हुए हैं और तीन अलग अलग पीढ़ियों के साहित्यकार हमने यहाँ पर चुने। CGN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।